अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। शुबहात का इजाला पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। जी आमिर भाई, आप मेरा जवाब नहीं दे पाएंगे मेरे ख्याल से। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आपने एक चीज सिखाई, बहुत अच्छी बात, माशाल्लाह। पहले सलाम करना चाहिए, अच्छी बात है। इसलिए मैं उलमा से बात करता हूँ। तो मेरा ये सवाल आखिर तक था आपसे, एक जैद और बतर आपके पास आके कहते हैं कि हजरत मुझे जो है ना शुरा की तरफ आना है, तबलीग का काम करो। तो मतलब क्या करो, मुंतकर मत पढ़ो, ऐसा कहोगे ना? जी बिल्कुल कहूँगा। तबलीग नहीं है ना? अच्छा, मुंतकर में क्या है, न्यूज़ नहीं है नबी? अरे हजरत, यहाँ तक सुना मैंने, मेरा हुआ बंदा का फूल रहीम, मैं यहाँ तक सुना हजरत, लोगों ने कहा मेरी तार का नाम निकाल दो, पढ़ेंगे इतना है। देखो ये है हमारे आमिर साहब को देखो, इतना समझ पा रहे हैं कि फजाइल अमल को बंद करने की मेहनत ही नहीं है हमारे वालों की, बल्कि वो मुंतखब को ऐड करने की मेहनत है। ये कह रहे चले कि भाई वो कहाँ बंद हो रही बंद करने की तो मेहनत है। मैं सुनिए, ये तो मैं तुमसे चैलेंज करता हूँ, सुनिए, मैं तुमसे ये दावा करता हूँ, सुन लीजिए। फजाइल अमल के इशारा से आदमी करे, जवाब सुन दो मैं दूँ। भाई मेरे तो सराखों में फजाइल अमल है, मैं तो पूरी दुनिया में, उसी पूरे इंडिया में मशहूर फजाइल अमल का जवाब देने के लिए, मैं क्यों उसको बंद करना चाहूंगा? नहीं, अल्लाह बड़ी बात से मुझे मौत दे दे, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ कि फजाइल अमल को बंद करने की बिल्कुल मेहनत नहीं है। सन 2000 से महावीर भाई 2000 से मुंतखब चल रही, अभी तक फजाइल अमल बंद करने का कहीं सुना आपने? नहीं कर पाएंगे ना, वक्त लगेगा करने में। ये नियत ही नहीं है, आप कि एक दिन मुंतखब पढ़ो, इन फलाए पढ़ो, एक दिन मुंतखब पढ़ो, इन फलाए पढ़ो, क्यों वहाँ साथ दिया है? अब क्यों झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? अभी आप बहुत इमेच्योर हो, इन चीजों को जानने के लिए। ओह, अहले फिरासत साहब, अहले फिरासत है आप? आप जो है ना, दूसरे को कामयाब ही कहते हैं, फिरासत है, उससे लगाने की बात करते हैं। चलो ठीक है, मैं ये पूछ रहा था कि दो जवाब आप तक नहीं आए थे, वो अच्छा हाजिर दो हफ्ता के साथ भेजोगे आप जो आदमी शुरा किया था? देखिए वो पीछे से कोई बोल रहा पागल हो रहा है ना, तो आप लोगों को पागल कर रहे हैं, चाहे आप पागल हो रहे हैं, इसके आपके गुस्सा हो रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह रखिए, आप अभी मुझे फोन कर सकते हैं। अभी तो मैं दावत आलिम इस्तेमाल और घर के पांच अमाल और आलमी शूरा और मौलाना हैदर हैदर साहब पढ़ना, इस पर बहुत सारी बातें करना बाकी है। अभी तो आज मुझे दावा कर रहे हो जब से ये शुरा का मसला शुरा सिवाय मस्जिदों में झगड़े होने की कुछ नजर आ रहा है, झगड़े होने की कुछ नजर आ रहा है। मौलिक जब तक मस्जिद से तुम लगे थे, अंदर अंदर कितना भी चालता कोई झगड़े नहीं थे, जब तक मुकाबला उठा मस्जिदों में झगड़े हो रहे हैं, ये अलामत है हक पर होने की, ये अलामत है, ये अलामत है हक पर होने की, झगड़े शुरू हो गए। दलाइल तो आपके पास नहीं है, आपको यही नहीं पता कि वो आलमी शुरा चाहती क्या है। अभी तो मैं बताऊँ आपको क्या क्या चाहती है। दावा तालीम इस्तकबाल का अमल है, घर में पांच अमल तालीम का होना, मौलाना खान साहब है तो साहब पर जो बात करते हैं उस पर भी मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। जल्दी करें फोन, अभी तो बहुत बातें हैं। तुमको यही नहीं पता हजरत वकील शुरा साहब आपको यही नहीं पता कि मेरा के इस्तेमाल में मौलाना ने वो कौन सी पार्टी बातें थी जिसको बंद करने की बात की गई थी, यही मालूम नहीं ऑडियो को मैं शेयर करने वाला इंशाल्लाह। तो मेरी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरी आवाज अच्छी रही, किसको मालूम नहीं है सारी बातें। देखो भाई आलिम या आलिम ये आमिर साहब मुझे ये नहीं बता रहे कि मैं शुरा कौन सी शुरा दे रहा हूँ, क्या चाह रही हूँ मैं आपसे।
अल्लाह के रसूल की हदीस को बंद कर दो, मस्जिद की आबादी की मेहनत बंद कर दो, घर में से पास का मुजाकरा न करो। क्यों नहीं करेंगे, परेशानी हो रही। आप मुझसे तालबीन का इल्म नहीं है, मुर्जिया का माना पता नहीं, मिर्जा का माना पता नहीं, फतवा और मौकिफ का फर्क पता नहीं, मुर्जिया का माना नहीं मालूम आपको, राजी और मौजूद का माना मालूम नहीं आपको, हर बातिल का राजी मौजूद का मतलब राजी का नहीं होता, आपको ये नहीं पता। तो आप होती है शुरा बने कहीं हजर जाएंगे, भेजिए ना खुदा की तरफ भेजिए। मैं तो बहुत ख्वाहिशमंद हूँ आज से आपकी बात की, आपको पूरी दुनिया में फोन करके दिया आलमी शुरा का लोगों के अंदर बैठा है। मैं तो चैलेंज करता हूँ हजरत तुमको, आप आलिम हो गैर आलिम, मैं चैलेंज करता हूँ तुमने से बात करो सामने आके, और खुदूत लेके वाजिब भी हो रहा था आपको। अभी तुम्हें फोन पर हाँ जी इन शाह तारीख बता दें, तारीख बता दें, मैं तैयार हूँ इंशाल्लाह, सुबह इंशाल्लाह मैं तैयार हूँ, तारीख बता दें नहीं इंशाल्लाह, आप जो है तारीख बता दें। आखिरी बात कह रहा हूँ, नहीं नहीं आपने आपकी बात सुन रही नहीं, आप तो रस्ते लगाने वाले आदमी है भाई, आप तो हम आपसे क्या बात कर रहे हैं। चलिए इंशाल्लाह आपको अल्लाह पाक जज़ाए खैर, मौके पर कोई सुनिए ये बात आखिरी मैं कह दूँ कि हर आदमी अपने मौके पर होता है तो उसको फोन करके परेशान न करिए, और ये ना समझिए कि आप बहुत मुदल्लल मुदल्लल बात करते हैं, मौके वालों के पास भी लड़ाई होते हैं। अब आप फोन करना बंद करिए लोगों को, ठीक है इंशाल्लाह, सबको फोन घुमा घुमा के आप साबित कर रहे हैं शुरा शुरा, आपको ये नहीं पता शुरा क्यों तय हुई थी, फैसल के मुतयन के लिए या फैसल तब्दीली के लिए, फैसल तब्दीली हो आपको कुछ नहीं पता, क्यों मेरे को करो ना, मेरे को करो ना, क्या मतलब है। मुर्जिया का माना मालूम नहीं है, पकड़ मुलिम का हवाला दिया, कहाँ से फरागत है आपकी, कहाँ से फरागत है भाई, कहीं से फरागत है यार, क्या करना है। वाकई में वाकई में वाकई में तो अशरफ अली थानवी थे, मुलमा तो इमादुल अहमद के वाले थे, आप क्या आलिम है। दूसरों को फोन करके ना परेशान ना करिए हजरत, अल्लाह के वास्ते हर आदमी को अपने मौके पर रहने का हक है, इंशाल्लाह हर आदमी को अपने मौके पर रहने का हक है। दूसरों को फोन करके अपनी दलाई ना साबित किए, दलाई से बात करिए तो आपका सिद्धि भी रही, दलाई से क्या दलाई, आप तो आलिम हो कि आपको मुर्जिया के तालीम का हवाला नहीं पता, मुर्जिया का मानो नहीं मालूम है, ईमान बाकी से मुरतब आपको ये नहीं मालूम है। मैं तो गैर आलिम हूँ, मैं तो कभी, मैंने तो अभी जाके अर्जी सीखी है, अभी जाके अर्जी सीखी है, मैं तो गैर आलिम हूँ, मेरा अल्लाह फैसला करेगा, मैं अपनी काबिलियत से फोन नहीं किया। आप जो आपने काबिल बंदी पूरी मुश्ताक भाई और सबको फोन कर करके जो आप परेशान कर रहे हैं ना, मैंने इसीलिए आपने मुझे फोन किया था, आज भी आपने मुझे फोन किया, आपने मुझे फोन किया ना आज, किसने किया हाँ, तो आप मुझे ने फोन किया करें, मुझसे लड़ाई से मुझको फोन किया करें, मुश्ताक भाई को फोन कर रहे हैं, फला को फोन कर रहे हैं, मुझसे बात ही नहीं कर पा रहे हो, मुश्ताक भाई को फोन करने का हाँ वल्लाह लोग तमाम फैसला करें, जिसको यही नहीं पता कि शुरा की क्या चाहती है, वो शुरा का ख्याल है, ख्याली शुरा वाले को सलाम है, ख्याली शुरा के वकील।